खबर गुला चीका से आ रही है। SP मकसूद अहमद के आदेश अनुसार गुला पुलिस प्रशासन ने लगा नाइट डोमिनेशन अभियान। नाइट डोमिनेशन अभियान प्रतिदिन 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलेगा। गुला थाना प्रभारी रमेश कुमार ने कहा, पुलिस और जनता का सही तालमेल क्षेत्र में नशे को जड़ से खत्म कर सकता है। वहीं आज लगातार नशा तस्कर और अपराधी का शिकंजा कसने के लिए डे नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। और गुला थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि गुला चीका क्षेत्र हरियाणा पंजाब सीमा पर है और क्षेत्र की जनता पूरी तरह से सहयोग नहीं कर पा रही। यदि पुलिस और क्षेत्र की जनता का सही तालमेल हो जाए तो गुला चीका क्षेत्र जल्द ही नशा मुक्त अपराध मुक्त हो जाएगा। पंजाब की तरफ से आने वाले नशा को ख़त्म कर दिया जा सकता है। और थाना प्रभारी रमेश कुमार ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि गुला चीका क्षेत्र में जनता नशा तस्कर पर शिकंजा कसने के लिए हमें पूरा सहयोग करेगी और गुला चीका को हम नशा मुक्त अपराध मुक्त बना सकते हैं। प्राइम देखे न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट गुला चीका से गुरदीप चापा। 6 से 10 के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार इसमें हम पब्लिक को जो अननोन व्यक्ति आते हैं पर्चे बारह काटते हैं जो बाहर के रहने वाले हैं और संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करते हैं और गाड़ियों को चेक करते हैं जिसमें कोई शरारती तत्व ना घुसे। अभी तक कोई संदिग्ध मिला है सर? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिला है, लगे हुए हैं। आगामी क्या कार्रवाई अभियान चलेगा या ये शाम तक ये 10 बजे तक का अभियान है हमारा 10 बजे तक। तो सर जो ये थाना है आपका गुला गुला पंजाब बॉर्डर से जुड़ा है, पंजाब से नशा आता है, उसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम कंटिन्यू नाकाबंदी करते हैं, रात को भी नाकाबंदी करते हैं। हमारे को पब्लिक का सहयोग चाहिए, अगर पब्लिक हमारा सहयोग करेगी तो हम इस नशा रोकने में कामयाब होंगे। पब्लिक का सहयोग पूरा नहीं मिल रहा हमारे को।